स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तेज न्यूज में। संत कबीर नगर जिले में धनघटा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध फ्यूचर जोन विद्यालय पे गुड लक एवं फेयरवेल पार्टी एवं अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धनघटा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणी रहे। इसी बीच देखा गया तो विद्यालय में अच्छे अंक पाने वाले बच्चे को मुख्य अतिथि नीलमणी एवं विद्यालय के प्रबंधक नीरज चौधरी, विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग चौधरी ने प्रथम स्थान दिवेश मौर्य, द्वितीय स्थान चतंजय, तृतीय स्थान अदान खान को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना किए। इसी बीच देखा गया तो छात्र छात्राओं द्वारा आज के प्रवेश पर पारिवारिक नाटक की प्रस्तुति कर सामाजिक कुरुस्तियों पर प्रहार किया गया। इसी के साथ ही साथ छात्र छात्राओं को द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत के साथ साथ मोहिनी मुरलिया मोर राम राज आ गया, वृद्धा आश्रम जलवा ही जलवा सहित तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणी। आज फ्यूचर जोन यूनिक फाउंडेशन स्कूल गागरगांव धनघटा में ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सामने बैठे सभी हमारे अभिभावकगण, कई लोग सामने अभिभावक हैं, नाम लेने में समय लगेगा, सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी हमारे और बच्चों के अभिभावकगण, साथ में विद्यालय परिवार के साथ साथ यहाँ पर सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का हम स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करते हुए ये विद्यालय परिवार जो हमें सम्मान दिया है उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, आज यह विद्यालय परिवार जो पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह रखे हैं वह कुछ लोग अभी गुरुजी बता रहे थे मंच से कि मैं साइकिल या गिफ्ट इसलिए दिया गया कि बच्चे पढ़ने आवे, ऐसा नहीं है। बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए जिस तरह मुझे बुलाया गया है उसी तरह बच्चों को आप हौसला अफजाई के लिए वह काम किए हैं। बच्चे अभी एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के जस्ट पहले आप इनाम दिए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिलो दिमाग में ऐसा आएगा कि अगले वर्ष मुझे फिर इसका दूना मिलेगा, इसलिए ज्यादा नंबर लाना जरूरी है। ये बच्चों के उत्साह वर्धन का काम जो हुआ है इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, यह जो पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं विद्यालय परिवार, इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है वो इसकी महत्ता समझ सकता है, वो गूंगे बहरे जैसे व्यक्ति है जो आज पढ़ा लिखा नहीं है वह रोड पर क्या काम कर रहा है ये बच्चे पता कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह जीना जरूरी है, जिस तरह खाना जरूरी है, जिस तरह माँ बाप जरूरी है, उसी तरह शिक्षा जरूरी है। नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, यह विद्यालय परिवार जिस तरह से आज अपने क्षमता बताया है कि इस तरह का काम हुआ है, इतने वर्षों में इतने बच्चे अपने विद्यालय का रिकॉर्ड तोड़े हैं, मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह आगे भी पढ़े। अभी 10 का परीक्षा था, आगे 12 का, आगे फिर बीए, इसी तरह आप विद्यालय में अपने विद्यालय में रिकॉर्ड तोड़े, अपने विद्यालय का रिकॉर्ड तोड़े, ये मैं अग्रिम शुभकामना आप लोगों को देता हूं। सम्मानित दोस्तों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे मीडिया साथी हैं, अभी कहेंगे कि ये लोग मंच पा जाते हैं तो अपना गाना शुरू कर देते हैं, इसलिए सम्मानित साथियों मैं कुछ नहीं गाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत के दायरे में विद्यालय है, मैं नगर पंचायत को उच्च श्रेणी में लाने के लिए, अपने कम से कम जिले में स्थान हो, प्रदेश में स्थान हो, ऐसा करने के लिए विकास की पहिया मैं चालू कर दिया हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि यह विकास का पहिया लगातार 5 साल चलता रहे, यह मेरी सोच है। ऐसी सोच के बदौलत
मैं दो दिन यहाँ रहता हूँ तो दो दिन लखनऊ रहना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हमारे नगर पंचायत में होगा, जिससे विकास की पहिया आगे की मोदी की तरफ चलता रहे। इसलिए सम्मानित दोस्तों, कभी कभी तमाम कार्यक्रम ऐसे छूट जाते हैं, जब मैं लखनऊ जाता हूँ विकास की पहिए को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ जाता हूँ तो अपने नगर पंचायत के तमाम कार्यक्रम छूट जाते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे प्रयास मेरा रहता है कि कोई कार्यक्रम न छूटे, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आप लोगों ने जो हमको दायित्व दिया है कि नगर पंचायत सुदृढ़ हो जाए, आप बहुत आगे जाए, इसके लिए मुझे लखनऊ बार बार जाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज नगर पंचायत की वह स्थिति है कि प्रत्येक वार्ड में काम चल रहा है, विकास की पहिया प्रत्येक नगर पंचायत में चल रहा है या चलने वाला है, टेंडर हो गया है, काम शुरू होने वाला है या शुरू हो रहा है या शुरू हो गया है। सम्मानित दोस्तों, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं शिक्षा के लिए चूंकि ये सरकारी विद्यालय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा के लिए आगे जो भी हो पा रहा है उतना मैं करना चाह रहा हूँ। अभी तमाम उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालयों को सौंदर्यीकरण के लिए अभी 7 विद्यालय हमने परमिशन ले लिया है सरकार से, 7 विद्यालय का अभी सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, तमाम उसमें अच्छे अच्छे व्यवस्था के लिए कराए जा रहे हैं। ये सही है कि अभी इस विद्यालय में जैसे जो प्राइवेट विद्यालय है उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय के लिए भी जो कुछ हो सके, जो लोग शिक्षा देने के लिए यदि निश्चय है अपना विद्यालय खोलकर ये पुण्य का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उस परिवार के लिए भी कुछ करने के लिए सरकार से हम मांग करें और उसमें जो भी हो पावे, जो भी संसाधन लग पावे, हमारे द्वारा जो भी हो पावे उसके लिए मैं सरकार से मांग किया हूँ और आगे प्रयास करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम हमारे नगर पंचायत में कर रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए उनके विद्यालय परिवार को कुछ न कुछ हमारे नगर पंचायत से जरूर मिले। सम्मानित साथियों, आज बच्चों का जो नाटक देखकर ऐसा लगा कि हमारे जो सम्मानित साथी बैठे हैं, हमारे अभावगण बैठे हैं, रो पड़े हैं। वह देखकर नाटक जो अंतिम वाला नाटक देखे हैं, सबके घरों में इस तरह का क्रियाकलाप चल रहा है। हम सभी बहनों से, सभी बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इस कार्यक्रम से जो अभी देखे हैं आप लोग, इसे सीखना चाहिए। खासकर बेटियों को सीखना चाहिए, वह अपने घरों में जिस तरह माँ बाप, तो आपके माँ बाप हैं उसी तरह, जहाँ जाने के बाद अपने माँ बाप उसी तरह उनको भी माँ बाप समझेंगे तो यह कृत्य नहीं हो पाएगा। इसलिए सम्मानित सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करें। आप पढ़ लिख रहे हैं, आगे आप लोग भी सयाने हो जाएंगे, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनेंगे, जरूर बनेंगे, यह मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामना देता हूँ।